हर दौर में या तारीख में अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसे लीडर्स नज़र आते हैं जिनकी के पर्सनालिटी में इतनी अट्रैक्शन होती है और इतनी उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स होती है कि लोग उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं दीज आर द पीपल हु हैव दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर इन देयर पर्सनैलिटी दैट वेट वॉट एवर दे से एंड एवर दे आर स्टैंडिंग पीपल विल जस्ट कम एंड ज्वाइन देयर मिशन एंड दे विल लाइक टू सेल अ बैक टू देयर कॉल सो इट इज़ इट इज़ दिस काइंड लीडरशिप जिसको कि हम करिस्मेटिक लीडरशिप के नाम से जानते हैं जैसे कि करिसमा वो पर, वो पर्सनलिटी ट्रेट है या एट्रीब्यूट है वो एक अट्रैक्शन है जो कि आपकी पर्सनैलिटी में मौजूद होता है एज ए लीडर लीडर गैदर्स फॉलोअर्स थ्रू स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी एंड चाम सो उसकी कोई भी जो आ, उनके इर्द गिर्द जो लोगों के जमा होने की वजह है वो सबसे पहली वो एक पर्सनैलिटी चाम या एट्रैक्शन है कि जिसकी वजह से कि वो लोगों की अट्रैक्शन को हासिल करने के बायस होते हैं वो पर्सनैलिटी के अंदर जो चाम है उनका वो उनकी वर्ड स्मार्ट होने की वजह से भी हो सकता है किसी और क्वालिटी की वजह से हो सकता है उनकी स्पीच uh, की वजह से हो सकता है सो देर कैन बी मैनी रीजनज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ देयर इन देयर पर्सनैलिटी और इसमें जब जब वो इस तरह के क्रिसमेटिक लीडरशिप्स जहाँ पर भी लीडर्स एग्जिस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंथ्यूज़म को और एनर्जी को वो इंजेक्ट करने के काबिल होते हैं अपनी टीम में उन फॉलोअर्स में जो उनके साथ शामिल होते हैं आप नहीं, किसी भी मीटिंग में किसी भी गैदरिंग में उनको लेकर आएँ तो लोगों में इंथ्यूजियाजम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड रिगार्डलेस इट वॉट डू द सेव बाई जस्ट देयर प्रेजेंस बींग देयर एट दैट टाइम विद द पीपल विल जस्ट इन्फ्यूज़ इन्जेक्ट अ लॉट ऑफ इंथ्यूजियाजम एंड एनर्जी एंड पैशन विद इन द टीम मेम्बर्स एंड पीपल जो कि सब लोग रिच्यूविनेट हो जाएंगे दोबारा से री uh, एनर्जाइज हो जाएंगे और वो उस मिशन में पूरी uh, तंदही के साथ दोबारा से शामिल हो जाएंगे जिसके लिए कि वो लीडर उस वक्त वहाँ मौजूद हैं uh, इस तरह के लीडर्स अगरचे बहुत कॉमन नहीं हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग और होते हैं और बहुत स्ट्रांग इंपैक्ट वो छोड़ते हैं और वो अपनी टीम्स को या फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा तब्दील uh, करने के भी बायस या काबिल होते हैं दे uh, 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 obviously bring that kind of change jo ke wo वो लाना चाहते हैं because people will just have that belief by just looking at them probably or by listening to them. So उनके अंदर आप कहिए कि सलाहियत सालाहियतें मौजूद होती है वो क्रिसमेटिक फोर्स मौजूद होती है इसका ख़तरा क्या होता है कि इवेंचुअली अगर वो लीडर्स अपने साथ अपनी स्टाइल में दूसरे स्टाइल्स को लेकर नहीं चलें तो इवेंचुअली उनमें ये बिलीफ सिस्टम आने लगता है कि वो सबसे बेहतर हैं और उन्हीं की वजह से सारी की सारी तब्दीली आ रही है विच इज़ ऑबियसली टू सम समस्टेंट ट्रू लेकिन एक लीडर का काम हर चीज़ को अपनी पर्सनैलिटी और अपनी ज़ात तक मुकैत करना या कन्फाइन करना नहीं होता एक लीडर का असल रोल ये है कि वो अपने पीछे जो फॉलोअर्स हैं उनको इस काबिल कर दे उनको वो सिस्टम दे दे उनको वो विजन दे दे कि चाहे पर्सनैलिटीज़ चेंज होती रहें लेकिन वो विजन या वो मिशन कभी भी ख़त्म ना हो सो इनमें टेंडेंसी ये हो सकती है कि दे मे स्टार्ट और दे मे टेंट टू बिलीव मोर इन दैम सेल्व देन इन देयर टीम्स सो ऑब्वियसली इसका नुकसान क्या होगा कि जैसे ही वो जाएंगे तो पता ये चलेगा कि टीम में कोई तब्दीली नहीं आई बिकॉज टीम की सारी की सारी सोचने की सिलाहित सिर्फ उनकी उस जगह प्रेजेंस की वजह से होती है फॉलोअर्स बिलीव दैट सक्सेस इज टाइड विद द प्रेजेंस ऑफ द लीडर्स सो फॉलोअर्स में भी अनकॉन्शियसली ये बिलीफ सिस्टम आ जाता है हम तभी कामयाब हो सकते हैं अगर ये शख्स हमारे साथ है सो so जब तक ये हमारे साथ है ये जब तक ये हमारे दरम्यान है कामयाबी हमारे लिए बिल्कुल हंड्रेड परसेंट गारंटीड है लेकिन अगर ये हमारे साथ नहीं होंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते सो दिस कैन क्रिएट द रिस्क ऑफ द टीम और दर्गेइजें ऑर्गेनाइजेशन फेलिंग इफ द लीडर लीप सो जस्ट थिंग वॉट विल हैपन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन जब वो लीडर वहां से चले जाएंगे या वो टीम से चले जाएंगे तो उस पर क्या नतीजा होगा ऑब्वियसली वो एक फेलियर की तरफ जाएगी विजनरी लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप है एक ऐसा एक लीडर है जिसके पास विजन मौजूद है जो एक सोचने की एक बसरत रखता है और फिर उसमें ये पैशन मौजूद है कि वो बसीरत वो ट्रांसफ़र करे ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है जहाँ पे व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ न्यू डायरेक्शन अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं जहाँ पे के स्टेटस को आ गया है या स्टेगनेट कर रही है या बहुत बैकवर्ड है एंड दे नीड अ न्यू डायरेक्शन एंड पैशन तो ये विजनरी लीडरशिप वहाँ पर मुफ़ीद हो सकती है इस तरह के लीडर्स विजनरी लीडर्स आर्टिकुलेट करते हैं न्यू आइडियाज़ को ग्रुप मेबर्स में लेकिन वो अपनी विजन देते हैं लेकिन उनमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में फ़र्क क्या होता है कि वो ये नहीं कहते कि हैंड होल्डिंग करें और बताएँ कि तुमने करना कैसे दे जस्ट मेक श्योर किट देयर टीम मेम्बर्स आर रियली कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड सो जस्ट टेक टू टेक दैट विजन अड इन देर लाइफ